धनबाद जिले में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत गड़बड़ तथा घोटाले में निर्दोष लोगों को फंसाने के आरोप के खिलाफ शुक्रवार को स्कूल संचालक एवं शिक्षक उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर एसडीएम से मुलाकात किए। बाद में शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला में स्कूल संचालकों का हाथ नहीं है, ऐसे में स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करना अनुचित है। मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी कार्यालय किस लिए पहुंचे हैं आज हम लोग को? कल ये जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके एवज में जिन जिन विद्यालय में इस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है, इसमें कि किसी भी स्कूल संचालक का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि स्कूल संचालक ने अपने ओरिजिनल जो दिया था फॉर्म कि हम भरा तक हमको अल्पसंख्यक बच्चों को मिलना चाहिए, उसमें फर्जी तरीके से बहुत सारे बच्चों का घुसा दिया गया है नाम, जिसके कारण बहुत सारे विद्यालय में ये परेशानी हो रही है। और कल रात में 7 बजे यहाँ से फोन किया गया कि जो जो विद्यालय ऐसा है वो यहाँ आए 9 बजे तक जमा करें, जो कि असंभव था। 9 बजे तक कोई चिरकुंडा, कोई बागमारा, कोई कहाँ रहते हैं, यहाँ कैसे जमा करेंगे, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ सभी विद्यालय के जितने संचालक हैं सबों ने अपनी साक्ष्य के आधार पर एडीएम ऑफिस में जमा किया है, जिसमें किसी भी स्कूल संचालक का कोई इसमें संलिप्तता नहीं है। आज हम लोगों में जमा कर दिया, और अगर किसी भी स्कूल संचालक को बेवजह विधि व्यवस्था के द्वारा, प्रशासन के द्वारा फंसाने का काम किया गया, तो झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस फर्जीवाड़ा में अगर निष्पक्ष जांच होती है तो हमेशा सहयोग करेगी, लेकिन अगर गलत तरीके से जांच होती है तो इसका विरोध करेगी, उग्र आंदोलन करेगी।